हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 के आंसर की के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें 14 जुलाई को होने वाली परीक्षा की के बारे में मैंने व्याख्या सहित बताया था, और आज ये वीडियो है 15 जुलाई को हुई जो परीक्षा है उस प्रथम और द्वितीय पारी सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे से दोनों पारियों के जो पेपर हैं उनके आंसर की मैं डेफिनेशन के साथ बता रहा हूं, व्याख्या के साथ बता रहा हूं दोस्तों। तो आप इनकी को देखकर अपनी संभावित की मिला सकते हैं, हालांकि विभागीय की तो नहीं है लेकिन लगभग ये सारी सही है। अंतिम की आंसर की तो राजस्थान पुलिस की विभागीय की मान्य होंगे दोस्तों, और की पूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन। प्रथम पारी की जो की उसके बारे में अपन बात करते हैं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 की व्याख्या सहित है। ये जो आंसर की है उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा दी गई हैं, लेकिन इनमें साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि किस तरह से आया ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है, हालांकि आपकी सीरीज अलग हो सकती है लेकिन आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन मिलाने के उसका समझने के बाद आप वो आंसर आसानी से आप कर पाओगे दोस्तों, और अपनी वेरिफिकेशन है आंसर का वो भी कर पाओगे। तो यहां मैं सभी जो क्वेश्चन हो सकता है कि इनका क्रम है वो चेंज हो सकता है दोस्तों, तो आप क्रम पर ध्यान न दें, केवल क्वेश्चन पर ध्यान दें और उसके आंसर पर ध्यान दें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कथन को पढ़ें और दी गई जानकारी को सही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। कथन ये है कि शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं, तो पूर्ण धारणा क्या है इसकी? यदि कोई शराब छोड़े तो वह मोटा हो जाएगा, यदि कोई शराब नहीं छोड़ता तो वह मोटा नहीं होगा। तो इसमें धारणा ये है कि यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। जो सार्थक जो तथ्य है दोस्तों वही इसमें सही होगा, तो इसमें नंबर ए का सही है, तो ए के अंदर ए ये सही है, तो इसमें आंसर होगा एक, तो दोस्तों ये आंसर एक होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर तीन आएगा, इसमें ऑप्शन है तीन और एक्स इसका उत्तर आएगा। कारण ये है कि दोस्तों देखिए, अगर हम एबीसीडी के नंबर डालें तो एफ जो आता है वो 6 नंबर पे आता है, आई है वो 9 नंबर पे आता है, एम है 13 नंबर पे आता है, और आर है वो 18 नंबर पे आता है, तो इसका अंतर हमें जानना है, तो इसमें एक एक अंतर बढ़ रहा है। देखिए, एफ 6 पर आता है और आई 9 पर आता है, तो 3 का अंतर हो गया। आई 9 पर आता है, एम 13, तो 4 का, फिर M और R के बीच में 5 का अंतर, और R से अगले का लेना अपने 6, और 6 पर आएगा तो 18 में अपन 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 24 होगा, 24 वो अक्षर अक्ष है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरों के युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों, तो इसमें सही उत्तर होगा 2। ये देखिए 25 के आएगा दोस्तों इसमें, तो इसमें दोस्तों देखिए अगर 5 और 10 और 15 के बीच में 5-5 का अंतर है दोस्तों, और एबीसीडी में इसमें दोस्तों एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहां पर 11 अक्षर हमें लेना, और 11 अक्षर के होता है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सही है, 25 के इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रृंखला 3, 9, 27, 81 में नवा पद क्या होगा? आपको नवा पद आपको याद निकालना है दोस्तों, तो ये इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों, तो सूत्र है दोस्तों इसका, हमें पद निकालना है, तो ए गुणा आर, आर की घात एन माइनस वन, जहां ए है प्रथम पद दोस्तों, आर सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात का मतलब है 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार गए, 3 से गुणा हो रही है, ठीक है, और एन का मतलब है कौन सा पद हमें निकालना है, तो हमें नवा पद हमें निकालना है। तो अब इसको अगर सिंटैक्स के हिसाब से करें तो इसका होगा 3 गुणा 3 घात 8, तो इस तरह से अपन करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 19, 6.6
683 दोस्तों, इसलिए इसका नंबर तीन का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ है भाग, यानी जहां प्लस लगा वहां तो हमें भाग करना है, और जहां भाग लगा वहां माइनस करना है, और जहां माइनस लगा वहां गुणा करना, और जहां गुणा लगा वहां प्लस। तो इस हिसाब से अगर इसके सिंबल चेंज करके अपन करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 6। तो इसका होगा 6 आंसर, यानी एक नंबर का उत्तर इसमें सही है दोस्तों। चलिए नंबर अगले की बात करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंतर्गत यह कि 2016 में बॉक्स ऑफिस में प्रदर्शन की तैयारी, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का ये दी गए। तो इस प्रश्न ये है कि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या 200 थी, तो 2016 में फरवरी से अप्रैल तक कितने फिल्में प्रदर्शित हुई? तो नंबर 100, यानी नंबर तीन का ऑप्शन सही है, कुल फिल्में थी 100। तो ये आई कैसे दोस्तों? तो इसका सूत्र होगा कुल बट्टा 100 गुणा प्रतिशत। अगर इस हिसाब से करें तो इसका आंसर 130 आता है, लेकिन 130 इसमें नहीं तो इसका तकरीबन है, तो इसका 100 आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, नीचे रह गया क्वेश्चन, कि निम्न जनवरी 2 बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। यदि 2016 संख्या 200 थी, तो अप्रैल 2016 में कितने फिल्में प्रदर्शित हुई? तो है तो सूत्र अपना वही है, कुल बटा 100 गुणा प्रतिशत। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो होगा 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि संजय की आयु ज्ञात करनी है। यदि संजय की आयु अपने पुत्र राकेश से 20 वर्ष अधिक है, राकेश अपने बहन रितिका से 1 वर्ष बड़ा है जो 1 वर्ष की है, तो ये दोस्तों यहाँ दोनों आवश्यक हैं, इस तरह से दोनों ही आंकड़े निकलेंगे, तो नंबर तीन का इसमें सही है दोस्तों। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एन का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ एन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न ये है कि ए पी बराबर 2n+1 और बी एन बराबर 5+r है, तो आर बराबर 2। तो यहाँ बी का जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि यहाँ इसने एन का मान दे रखा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ एन का मान दे रखा है, इसमें एन का मान नहीं दे रखा है, इसलिए केवल बी पर्याप्त है ये क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो सिंबल है भाग का है, गुणा का है, प्लस माइनस का चेंज करते हुए इसका करोगे तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 11। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वही फिल्मों से संबंधित, और इसमें पूछा है कि जनवरी में कितने फिल्में प्रदर्शित हुई। तो जनवरी में अगर अपन बात करें तो केवल 30% हुई, तो कुल बट्टा 100 गुणा 30 से गुणा करेंगे तो ये 60 आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर 60 सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2016 में कितने फिल्में प्रदर्शित हुई। तो नवंबर 2016 की अगर अपन बात करें तो ये नवंबर है 10% है, अगर 10% की बात करें तो केवल 20 ही फिल्में इसमें दर्शित होती हैं, तो ये अपना 20 आंसर इसका सही है। जेड का मान ज्ञात हमें करना है, तो दोस्तों तो ए जेड बराबर ए है, तो हाँ ये ए भी है, सही है। ठीक है, ये जेड का मान सही है, एक का सही है, तो ए पर्याप्त है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर एक आंसर इसका सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संदीप की आयु ज्ञात करें। यदि संदीप राज से 2 वर्ष बड़ा है और राज प्रवण से 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ से तो कोई आंकड़ा निकल नहीं रहा दोस्तों, तो इसमें केवल एक पर्याप्त, चलो 4 का इसमें सही है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमें यहाँ कुछ रेखाएं दे रखी हैं, दी गई आकृतियां चयन करनी है, प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति ये की है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ इसने एक मिलान कर इसको तिरछा किया है, तो ये इसका बी का जो है वो सही लग रहा है, और यही सही है इसमें दोस्तों, ये सही है इसमें, तो इसमें बी ऑप्शन सही आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए अगली आकृति का हमें चयन करना है। देखिए दोस्तों ये 2 त्रिभुज हैं और आगे इनका जो तीरनुमा है वो आपस में मिला दिया, तो इन तीरों का भी आपस में हमें मिलाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सा है, हाँ तो ये सी का इसमें सही है दोस्तों, सी का क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल सही है, तो ये सी नंबर 3 में है। आगे दे दिया असंगत को हमें छाटना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें खड़ी लाइनें हैं और जो सी है वो केवल गोल है, ओ दिया हुआ है, तो खड़ी लाइनें और तिरछी लाइनें हैं, इसलिए ये असंगत है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से हमें असंगत की आकृति की पहचान करनी है दोस्तों, तो बात वही आती है, तो देखिए ये ओ दिया हुआ है यहाँ, तो बाकी तो देखो आकृतियां आपस में मिली हुई खड़ी हैं
और ये अलग है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी हमें असंगत को छांटना है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपने को असंगत छांटना है गुणित में। तो इन आकृतियों में जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी का है। ये देखिए बाकी ये गोलाकृति में ये खड़ी है, तो ये बी का सही है, इसमें दो नंबर सही है। अगले की प्रश्न बात करें दोस्तों, बहुत आसान पेपर है दोस्तों ये। निम्न में से असंगत की पहचान हमें करनी है दोस्तों, तो इसमें डी आएगा दोस्तों, इसमें डी का सही है दोस्तों। ये देखिए डी नंबर चार में है, तो ये चार इसका सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सर्वाधिक आरेख को हमें देखना है कि भारत उत्तर प्रदेश, यानी ये भारत है और उत्तर प्रदेश अलग है, तो इसमें एक का ही सही लग रहा है दोस्तों मेरे के, तो ये एक का ही है और एक ही आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों, तो ये एक सही है। अगली बात करते हैं, निम्न आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, तो बात वही है हमें गुणा करना है दोस्तों। इस तरह से इसकी जो संख्या आती है वो 30 आएगी दोस्तों, और वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका तरीका ये है दोस्तों, आपको यहाँ एक से लेकर जितने हैं वहां तक, एक दो तीन चार और फिर एक और दो, इनको आपस में गुणा करना है दोस्तों, इसको और इसको आपस में गुणा करना है चार को, और फिर दो को तीन से करना, फिर इसका डबल कर देना दोस्तों, और डबल करेंगे तो ये 30 आएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राम पुरोशी होटल टहल रहे हैं, तो 4 किलोमीटर चलने पर बाद वह दाएं मोड़ जाता है और उस बिंदु से अपने किस दिशा में ये चलेगा, तो दोस्तों इस प्रकार से ये आंसर नंबर तीन का इसमें सही आएगा दोस्तों। ये देखिए ये नंबर तीन आएगा, इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ आपको। ये क्या है कि राम बाबू पूर्व की ओर टहल रहे, मान लीजिए राम बाबू यहाँ खड़ा है दोस्तों, यहाँ खड़ा है और पूर्व की 4 किलोमीटर चलता है, वो इस तरह से 4 किलोमीटर चलता है और फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, ये है 4 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। और फिर वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये दूरी है 3 किलोमीटर दोस्तों। उस बिंदु से वो अपने आरंभिक बिंदु की दिशा की ओर चलता है, तो अभी वह किस दिशा में चल रहा है, और ये देखिए आरंभिक बिंदु ये है, तो ये करण बन गया, हमें करण निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो करण अपन जब निकालेंगे, तो करण अपन निकालेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 4 का 16 और 3 का 9, 16 और 9 3 25 होते हैं, और 25 का वर्ग होता है 5, इसलिए उत्तर पश्चिम ये 3 का सही है। वैसे हमें करण निकालने की भी वैसे जरूरत नहीं, तो ये उत्तर पश्चिम में है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब हमें डालना है दोस्तों, और दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों इसका ये होगा दोस्तों, बी वाला सही है इसमें दोस्तों, ये सही है, तो आपको ये करना है, ठीक है, तो इसका ये 2 नंबर का सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस और ममता बनर्जी, ये तीनों ही नेता है, जबकि सत्येंद्र नाथ है बोस है वो नेता नहीं है दोस्तों, ये देखिए, तो इसका 3 का नंबर सही है दोस्तों, ठीक है। अगली भाषा में यह कि यदि किसी कूट भाषा को डिस्पुर को डिस्पुरप लिखा जाता है, और तो इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें शिमला ये लिखा जाएगा दोस्तों, ये नंबर एक का सही है, क्योंकि देखिए डी को इसने डी लिखा है, आई को इसने आई लिखा है, एस को इसने एस लिखा है, लेकिन आगे से इसने फिर पलट दिया, आर को पी की जगह आर कर दिया और यू की जगह यू रहने दिया और पी को उधर पलट दिया, तो ये हमें ये लास्ट वाले 3 ही बदलने हैं, तो ए देखो दोस्तों यहाँ आ रहा है, ए एल एम आएगा, ठीक है, तो ये ए का सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन है, माधव राहुल की बहन है और माधवी की नानी एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंध है, तो दोस्तों माधव राहुल की बहन माधवी सॉरी माधवी राहुल की बहन है और माधवी की नानी की एकमात्र बेटी है, तो क्या होगा दोस्तों, माँ होगी, चलो ये सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपन दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्धारित करें कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कुछ टमाटर मक्का और कुछ आलू मक्का है, तो ये इसमें बात करते हैं अपन, देखते हैं, तो दोनों अनुसरण करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ अपने को ये 4 का क्वेश्चन है, ये सही है। और अगला क्वेश्चन की बात अपन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़े, एक कप में औषधि स्वास्थ्य वर्धक पेय है, तो स्वास्थ्य वर्धक पेय कड़वा है, स्वास्थ्य वर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है, तो ये दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो 4 का ये सही होगा दोस्तों, ये 4 का सही है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यही है, हाँ गरीबी न्यूनतम जीवन समर्थन प्रदान करती है, नहीं भ्रष्टाचारी लोग द्वारा अनुदान सब्सिडी का दुरुपयोग होता है, सरकार को गरीबों की मदद हेतु वैकल्पिक उपयोग के बारे में सोचना चाहिए, तो यहाँ पर तर्क संगत एक ही लगता है दोस्तों, यहाँ एक का है और यही इसका आंसर है, एक, केवल तर्क ए सशक्त है, ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक इकाई चुंबकीय फ्लक्स मापने के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो ये वेवर होती है दोस्तों, ठीक है, ये वेवर होती है, तो ये 2 का सही है इसमें, ठीक है।
किसी वस्तु को उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसकी ऊर्जा को गतिक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, नंबर तीन का सही है। इसमें पौधे जो कड़ी सर्दी में जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये बारहमासी पौधा होते हैं, सदाबहार वन होते हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, फूलदार पौधों में जो बीज सुरक्षित रहने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको एंजियोस्पर्म, ये दो सही है दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन मिलाते रहिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है और जानकारी आपको समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा और मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। एक बार मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, उस पर बहुत सारे आपको मेरे कई वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप राजस्थानी हैं तो मैं भी राजस्थान का हूँ, एक हक भाई का निभाए और मेरा साथ दीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि समय समय पर मैं आपकी सहायता कर सकूं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयव आसानी से पहचाना नहीं जा सके, तो वो समरूपी होता है दोस्तों। तो नंबर तीन का सही है, चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे अजंता गुफाओं के चैत्य शासकों के संरक्षण निर्मित किए गए थे, तो वो कौन से शासक थे? वो गुप्त शासक थे दोस्तों। अगला, किस वर्ष में मार्गेट थेचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला बनी थी? तो ये है 1979 में दोस्तों, ये बनी थी 1979 में। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? भारत के किस शहर को? तो ये इरोड है दोस्तों, ठीक है, ये इरोड को जाना जाता है। अगला, पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम और परमोफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें क्रोपस्फीयर कहा जाता है दोस्तों, तो ये क्रोपस्फीयर उत्तर है, ये सही है दोस्तों, ये इसका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी फ्रांस के रियमोनशिन में क्यून गार्डन नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जल घर का क्या नाम है दोस्तों? तो पेंटू डू गार्ड है दोस्तों वो, हाँ पेंटू डू गार्ड, ये नंबर चार का सही है। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ? मुंबई में है दोस्तों। हाल ही में 20 मैच हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो मुंबई में वानखेड़ा मैदान मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में शब्द का प्रयोग करने वाले खेल की पहचान करें। पिचर है, स्ट्राइक है, डायमंड है, बैटिंग है, होम, पुट आउट है, तो ये सारे के सारे बेसबॉल में होते हैं, तो बेसबॉल नंबर दो पे है, तो बेसबॉल इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगले हैं कि अप्रैल 2018 में IIT प्रशिक्षित भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने विश्व की सर्वप्रथम माइक्रो फैक्ट्री की शुरुआत की है, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घटकों का मूल्यांकन पुनः प्रयोग युक्त वस्तुओं में परिवर्तित कर सकता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये वीणा सहज वाला है, नंबर तीन का इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, करंट अफेयर का है। अप्रैल 2018 में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं ने रोग की चिकित्सा हेतु दो छोटी पेंटागोनिकाओं को वन एवं पेप सेकेंड की पहचान की है। तो टाइफाइड भी नहीं है, चिकन फॉक्स भी नहीं है, अगले एक ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, हाँ ये चिकनगुनिया है दोस्तों, यहाँ चिकनगुनिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखें, नासा द्वारा 31 जुलाई 2 मानवता के प्रथम मिशन पार्कर सोलर प्रोब PSP की तक की शुरुआत की है दोस्तों, तो सूर्य तक की, यानी ये अभी नासा ने कहा है कि मैं सूर्य की खोज करूंगा और इसके लिए एक रॉकेट का इन्होंने आविष्कार किया है और मानवता का प्रथम ये मिशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन चलाई, तो कहां से ये शुरुआत की थी? तो ये छत्तीसगढ़ से की थी, रतनपुर से, ठीक है दोस्तों, ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अप्रैल 2018 में आर्थिक मौद्रिक फंड ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में यह दर्शाया गया है कि भारत 2018 में 7.4 इसकी वृद्धि होगी दोस्तों, 7.4, 7 से अधिक होगी ये, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के कारण मौसम में अधिकतम भिन्नता के कारण भारत उन देशों में से एक है जिनमें असुरक्षा का अत्यधिक जोखिम विद्यमान है, तो ये भोजन पे आएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अपने प्रति वर्ष को घर को चिड़िया एक अन्य सामान्य पक्षियों के वातावरण, उनकी मौजूदगी, उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरों की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, तो 20 मार्च एक में सही है। 2562 बौद्ध जयंती के अवसर 29 से 30 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नेपाल में हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में, जहाँ बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहीं ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नवंबर 2017 में 23 वर्ष के कम उम्र की श्रेणी वाली विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 48 केजी के प्रवर रजत पदेका कौन थे? तो ये रितु फोगाट था अपने भारत का।
चलिए अगली बात करते हैं। पुरुष एकल वर्ग में किसने 2017 में टेनिस यूएसए ओपन टाइटल का खिताब जीता है? ये दोस्तों राफेल नाडाल ने जीता है, तो राफेल नाडाल नंबर 4, तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा 4 का सही है इसमें। आगे देखिए, कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्न में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो रियोन का किया जाता है, रियोन नंबर 3 में सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तत्व में परमाणुओं की संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो प्रोटोन की संख्या से निर्भर होती है दोस्तों, ये नंबर 1 का ही सही है इसमें, प्रोटोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, CaCO अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल कराने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दोस्तों इससे, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पौधे की बीमारी साइट्रिक केकर किसके कारण होती है? दोस्तों तो ये वायरस जनित बीमारी होती है, तो ये वायरस आ गया इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस कोशिका में कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? दोस्तों तो ये लाइसोसोम होता है, तो ये लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की एक अंतःस्राव ग्रंथि नहीं है? दोस्तों ये लार ग्रंथि नहीं है, बाकी अंतःस्राव ग्रंथि पीयूष है, थायराइड है, अधिवृक्क है। ठीक है, ये लार बनाती है अपने जीभ में जैसे। ठीक है, तो ये लार ग्रंथि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि चार गेंदे ABCD के द्रव्यमान समान हो और के अंक का क्रम ABCD हो, तो इनमें उच्चतम न्यूनतम घनत्व वाली गेंदे कौन सी होगी? तो सभी का घनत्व समान होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए आप, द्रव्यमान समान है, इनका द्रव्यमान समान है और आयतन में भी इनका समान है, तो ये क्या होगा, न्यूनतम घनत्व वाली गेंदे कौन सी होंगी? तो सभी का घनत्व समान होगा, यानी इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों ही समान है, इसलिए समान होगी दोस्तों, तो नंबर 4 का इसमें सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पदार्थ में 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मात्रक को क्या कहा जाता है? तो वो विशिष्ट ऊष्मा होती है दोस्तों, और विशिष्ट ऊष्मा नंबर 3 में है। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है दोस्तों एक ही। ठीक है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करिए, ये विश्व की प्राचीनतम प्रीतों में से एक है, ये सही है दोस्तों, हमें गलत की पहचान करनी है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं दोस्तों, यहां ये गलत है, 820 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है। अरावली की जो लंबाई है दोस्तों वो 692 किलोमीटर है दोस्तों, 692 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक राजस्थान में फैली हुई है दोस्तों, तो यहाँ 692 किलोमीटर आप अरावली की, या 820 किलोमीटर इसने गलत दे रखा है, तो यही है दोस्तों इसका सही आंसर, इसका 2 सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो ये सदाबहार वन इसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सदाबहार वन यहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मौसमी वन है, मौसम के अनुसार हरे भरे हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके जिलों हुआ था? तो वन संरक्षण के लिए हुआ था दोस्तों, ये नंबर 2 सही है इसमें। अगली बात करते हैं, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने वाले प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो इसमें रेतीला धरातल है, तो ये कारण ये है कि अपने थार के मरुस्थल में दोस्तों सर्दियों में तेज सर्दी पड़ती है और गर्मियों में तेज गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के जो कण है वो मोटे हैं, इस कारण ये जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में जो कौन सा कार्य वन्य जीव जैव विविधता के संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन, यदि वनों को उखाड़ेंगे तो ये बाधक ही रहेगा, बाकी सारे सही है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। आगे दे, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो गोडावन को यह दिया गया है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान के सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1977 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर 1977 सही है। आगे देखिए, राजस्थान में कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान हमें करनी है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में होता है, ये भी सही है। बाजरे का उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी सही है। देश में परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, नहीं दोस्तों ये रबी की फसल है, रबी की, सरसों के साथ ये बोई जाती है, तो ये इसका सही आंसर होगा 3, ये गलत तथ्य और यही इसका आंसर होगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के, निम्न में से किस पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया है? तो इंदिरा गांधी है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? तो कोटा में पाई जाती है दोस्तों, और पुरुष हैं वो झुंझुनू में पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो अरावली है दोस्तों, अरावली है, ये सही बात है, माउंट आबू में भी ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों।
आगे देखो, राजस्थान पर्यटन विकास RDTC का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जयपुर में ही है, तो इसका आंसर होगा जयपुर। स्थिर कीमतों 2012 और 2018 में राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद की GDP कितनी है दोस्तों? तो ये दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये है इसका, और इसमें कोई नहीं दे रखा है देखिए दोस्तों, तो हो सकता है कि आंकड़े वो क्या माने, तो इसके लगभग के जो आंकड़े हैं काफी अंतर हो गया है दोस्तों यहाँ, तो ये आपको बोनस अंक में मिल सकता है, लेकिन जो विभागीय की आएंगे उसके बाद ही इसका सही उत्तर का पता लगेगा, लेकिन ये आंकड़े कहीं पर भी मिलान नहीं खा रहे। मैं तो अंदाजा लगाता हूँ दोस्तों, जब ये आंकड़ों की बात आती है तो मैं एक शुरू के दो नंबर है वो याद कर लेता हूँ, और लगभग उससे मिलते हैं तो मैं वही करता हूँ। अगला देखिए दोस्तों, दिसंबर 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय डिजिफेस्ट आयोजित किया था? तो उदयपुर में। सूरतगढ़ तापीय विद्युत थर्मल पावर स्टेशन कितनी इकाइयां प्रचलित है? तो दोस्तों यहाँ 6 हैं और 7वीं का काम चल रहा है अभी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष से प्रचलित हुई? 1973 में दोस्तों, तो यहाँ इसका उत्तर 1973 है। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह के किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2006 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुप्रीत योजना निम्न में से किससे संबंधित है? अनुप्रीत योजना के बारे में इसमें पूछा गया है दोस्तों, तो अनुप्रीत जो योजना है वो दोस्तों माध्यमिक कक्षाओं के लिए लागू है, तो ये देखिए माध्यमिक कक्षा इसमें देखते हैं कोई है संघ लोक आवश्यक राजस्थान अनुसूचित जातियों के लिए है। हाँ ये SC के लिए है दोस्तों, SC ST के लिए चालू है, सॉरी ST के लिए है, तो ये 4 का इसमें सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो ये 1500 रुपये है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी एजेंसी है जो जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी जीवन बीमा की सुरक्षा योजना की है? तो वह SBI लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों, SBI लाइफ इंश्योरेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल राजस्थान के मैदिक उपायुक्त की नियुक्ति करता है? तो 165 है, तो 165(1) में सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो 160 थे दोस्तों, तो ये 160 इसका सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये वर्मा थे साहब, के वर्मा थे, तो ये एक का सही है। राजस्थान लोक आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो AS के घोष थे, तो इसका ये सही है दोस्तों। आगे प्रश्न है, मानवाधार संरक्षण 1993 के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकारों का गठन किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 1933, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 का इसमें सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ID दुआ थे दोस्तों, तो ये दुआ यहाँ नंबर 4 पे सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य का चुनाव आयोग की स्थापना की गई? तो अनुच्छेद 243 के तहत की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इगल पहाड़ी निम्न में से कौन सा किला में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ इगल पहाड़ी नहीं है, तो ये संभवतः मांडलगढ़ का ये सही उत्तर उत्कर्ष क्लास से मांग रही है, लेकिन मैं यहाँ इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ दोस्तों, तो यहाँ मैं इस ठीक आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तो ये पढ़ा नहीं दोस्तों, तो इसकी संभावित मैं भी इसकी जांच करूंगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ये सूची आपको मिलान करनी है, और सूची में जैसे अंबर किला जयपुर, तो ये कहाँ के लिए है? तो ये शिला देवी मंदिर के लिए है, तो जहां पर A में 3 का ऑप्शन देखो 2 में दिखा रहा है। आगे दें, तारागढ़ जो अजमेर है दोस्तों, तो ये दरगाह मीर है, तो यहाँ ए का सही होगा दोस्तों, यहाँ ए का सही है, बिल्कुल सही है एक का। आगे देखिए दोस्तों, मंदिरों की स्थापना निम्न से जोड़े हमें को देखने हैं, तो मंदिरों की स्थापना के बारे में हमें बताना है दोस्तों। ये देखिए अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ सही मिलान नहीं हो वो देखना है, तो ओसिया मंदिर जोधपुर में ये सही है, सालासर चूरू में सही है, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में सही है, और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा नहीं, ये गलत है दोस्तों, नंबर 4 का इसमें गलत है दोस्तों, ये तो 4 का ऑप्शन इसमें अपना आंसर सही होगा। मारतरकुंडिया का मंदिर किस जिले में बरता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में बरता है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है दोस्तों? पानीवाड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है, पानीवाड़ा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन पर पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा है और भारी होता है? तो ये दोस्तों टुस्सी है, बाकी थड़ा टंका सुरलिया ये अलग है, ठीक है, इससे अलग ये लग रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल जोशी जिन्होंने 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये फड़ चित्र के लिए है, फड़ का रहे
जो कपड़ों पर चित्र बनाए जाते हैं उनको फड़चित्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये फड़चित्र है तो फड़चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टरकोटा की मूर्तियां। तो ये जस्ते से बनी मूर्तियों के, सॉरी ये क्या लिखा है, जस्ते से बनी पानी की बोतल के लिए सही है। तो इसका आंसर दो सही है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि समाज सुधारक ने अपने शिष्यों को 29 नियमों की पालना के लिए किया था। तो जम्बो जी ने, उसके 29 नियम थे जम्बो जी के। नृत्य के प्रकार और सूची, एक सूची से हमें मिलान करना है दोस्तों। तो ये ढोल जो नृत्य है वो कहाँ खेला जाता है? ये जालौर में खेला जाता है दोस्तों, जालौर में। और बम जो नृत्य है दोस्तों वो अलवर में खेला जाता है, अलवर भरतपुर में। और राय है वो डूंगरपुर में। इस तरह से ये दो का क्वेश्चन सही है, ये अपना सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक नाम है दोस्तों? तो मोसर, मोसर देखो अपन काज को बोलते हैं दोस्तों, खर्च को भी बोलते हैं मोसर। ठीक है, ये मोसर प्रथा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमें ये मिलान करना है दोस्तों। और ये देखते जो राम जो डाट लिंटास है दोस्तों, जो यहां से मिलान करते हैं अपन, लिंटास जो कीर्ति है दोस्तों वो लिखी गई है कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है, और पग जो फेरो है दोस्तों, पग फेरो लिखी गई मणि मधुरकर की। और तीसरा ये अपने आप हो गया सूर्य, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है ये सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्न में से लिखो कहानी पे आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था। तो ये पहेली विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई कहानी है, उस पर यह फिल्म बनी थी दोस्तों। और ये IAS भी रह चुके हैं, और विजयदान देथा से 14 तारीख को भी ये इसके संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया था। राजस्थान में गांव में कच्छ बाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये शराबबंदी एक में ही सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसमें सूची आपको मिलान करनी है, कोड दिए गए हैं। छवि जो राजत है वो MBA डिग्री धारक सरपंच है। ठीक है, अविना जो लेख रहा है वो पैरा शूटिंग से पदक है, और अभिषेक मटरे। तो इसलिए इसका ये तीन ये सही हो गया दोस्तों, तीन का सही है। आगे देखिए, प्राचीन राजस्थान में मूर्तिकला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में? तो ये अजमेर में है। ठीक है, नाद की है वो अजमेर जिले में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख था दोस्तों? तो बैराट था, विराट नगर, जयपुर, जयपुर से संबंधित था दोस्तों ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुपसना चरित्रम क्या है? ये चित्र ग्रंथ है दोस्तों, चित्र ग्रंथ है। आगे देख, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर था। हमीर मर्दन नामक साहित्य कृतिक लेखक कौन सी? तो जयसिंह सिंह थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा काल अनुभव दृष्टि से सही नहीं है? जेतर, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। तो दोस्तों यहाँ तीन का सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, हालांकि लगा भी रखा है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। मेवाड़ के किस शासक में जावर में चांदी खान में खनन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये लखा सिंह थे, लखा सिंह। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचयिता नहीं है? तो संगीत सोपन नहीं है, बाकी संगीत राज है, सूर प्रबंध है, संगीत मीमांसा, सारे के सारे कुंभा के द्वारा रचित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नीचे रह गया। निम्न में से किस शासक संबंध का वागड़ से नहीं है दोस्तों? वागड़, वागड़ से नहीं है। तो ये कन्नड़ देव प्रशासन है, प्रबंधक है। तो ये 4 का इसमें नहीं है, तो इसमें 4 का सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये सही है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 में हुआ था, उदयपुर में। और माधव गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये अलवर के हैं, तो दोस्तों ये अलवर से संबंधित है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना कब 1938 में हुई दोस्तों? ये तो 1938 दो में सही है, तो इसका दो आंसर सही है। अगले चुन्नीलाल और अमृतलाल पाइक समेत किस प्रजा मंडल से है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ प्रजा मंडल से है, तो ये इसका ये सही है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये 18 मार्च 1948 को हुआ था, तो पहला ही इसमें सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस का 15 तारीख को या 15 जुलाई को प्रथम पारी का जो पेपर सुबह 10 बजे हुआ उसके आंसर की। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी, आपने सारी की मिलाई होगी। मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, भगवान से ये अर्चना करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और आप राजस्थान पुलिस के पुलिस विभाग में भर्ती हो, और मेरी आपकी शुभकामनाएं हो। और मैं भगवान से भी ये भी अर्चना करता हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान पुलिस भर्ती की परीक्षा दी है, वो सारे मेरे भाई सफल हों और फिजिकल के जाएँ और नौकरी करें। यदि दोस्तों ये मेरा वीडियो देखकर अगर भविष्य में आप नौकरी भी लग जाते हैं तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं 15 जुलाई का सेकेंड वीडियो भी बनाऊँ पेपर का, इस तरह से मैं डेफिनेशन के द्वारा आपको बताएं, मैंने छोटी छोटी जानकारियां दोस्तों आपको बताई हैं। और अगर आप चाहते हो कि 15 तारीख का सेकंड का भी मैं इस तरह से मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और हालांकि वो तो प्रथम पेपर के लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी अपने भाई बंधु जरूर होंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं ये आपके लिए बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और जानकारी अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना दोस्तों। ज्ञानकुंज ग्रुप है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो और मेरे वीडियो को शेयर करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।